Hi guys, welcome to my channel Sachin Just Test and Classes. In today's class, we will continue with our maths competitive exam series. और आज हम इसका शुरू करेंगे पार्ट 9. Till now, what we have done, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ. Till now, इस maths competitive exam series में हम लोग already 8 parts हम कर चुके हैं. मैं 8 parts already upload कर चुका हूँ. हर पार्ट में जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि हर पार्ट में 5 questions आपको मिलेंगे और 6 questions जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा. 8 पार्ट तक मैंने हर पार्ट में इसी तरह का क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि हर पार्ट में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और 6 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है. अगर आपने अभी तक ये एनालिसिस नहीं देखा है तो मेरी आपको यही सजेशन है मेरा कि आप फर्स्ट पार्ट से शुरू कीजिए, क्योंकि होगा क्या कि फर्स्ट पार्ट से फिर धीरे धीरे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आगे वाले पार्ट से क्वेश्चन को समझना आपके लिए और ईजी हो जाएगा. तो चलिए अब चलते हैं आज के पार्ट में. जहां तक आज के पार्ट की बात है, पार्ट 9 का ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आज मैं जो अभी तक मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी पार्ट में कोई क्वेश्चन नहीं लिया, मतलब पार्ट 9 की मैं शुरुआत कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से. तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एन ईगल सॉ अ स्नेक ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. ओके, पहले इसका फिगर बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो लेट दैट दिस इज द टार, ये आपका टार है, ठीक है. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टार ईगल, ये टॉप पोजिशन है टार की, तो यहां पर मैं ई ले लेता हूं, ये हो गया पोजिशन ऑफ ईगल, और ये हो गया फुट ऑफ ए टार. तो इस पॉइंट को हम एफ ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टार एन ईगल सॉ अ स्नेक ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. द स्नेक इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टार. ओके, अब आपको ये कहा जा रहा है कि जो स्नेक है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ए टार मीन एफ पॉइंट से जो स्नेक का डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है. वो कितने का है, 100 मीटर का. तो स्नेक की पोजिशन को हम ले लेते हैं, दैट द पोजिशन ऑफ स्नेक भी एस, ये हो गया एस, ये हो गया पोजिशन ऑफ स्नेक. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्नेक की जो पोजिशन है फुट ऑफ द टार से कितना, 100 मीटर है, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100. फिर ये कहा जा रहा है ईगल जो है, ईगल ने स्नेक को देखा विद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बात एंगल ऑफ डिप्रेशन की हो रही है, तो लेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, तो इसको हम इमेजिनरी लाइन के साथ बनाएंगे, तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है. अब अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा बाय ऑर्डर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. भाई ये जो इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ये हम एज्यूम करते हैं कि ये इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि ये इसके पैरेलल है, तो फिर ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल होगी. तो बाय ऑर्डर इंटीरियर एंगल या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होगा, इक्वल. यहाँ तक सारी बात क्लियर है, ठीक है. अब आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट इज If eagle is flying on a straight line with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे. तो क्वेश्चन में आपको गिवन है स्पीड ऑफ ईगल, स्पीड ऑफ एन ईगल कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते, तो क्या हो जाएगा 72 into 5 by 18. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 1 18 18 4 72, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर को, पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5 by 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. तो 5 4 से क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जो ईगल है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 मीटर कवर करता है, 20 मीटर कवर करता है. अब पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि ये जो ई क्वेश्चन पर जो ईगल है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि विद द स्पीड ऑफ, इफ ईगल इज फ्लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टू कैच द स्नेक, टू कैच द स्नेक, टू कैच द स्नेक, देन वी फाइंड द टाइम, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ईगल टू कैच द स्नेक, तो कितने टाइम पर वो इसको पकड़ लेगा. मीन्स आपको ये कहा जा रहा है ईगल जो है अगर इस स्ट्रेट लाइन पे फ्लाई करता है, स्ट्रेट लाइन पे फ्लाई करता है इसको कैच करने के लिए, तो कितने टाइम में वो इसको पकड़ लेगा. अब आपके पास इसकी स्पीड तो है, अब टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड करना होगा कि ये जो डिस्टेंस है ई से लेके एस तक,
ये जो डिस्टेंस है ई टू एस, ये कितना डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना हो। ये जो ई एस जो डिस्टेंस है वो कितना है, अभी ये कैसे फाइंड करना है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, देखो ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री क्या होगा? अगर मैं आपको ये कहूं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ई एफ एस, ई एफ एस क्या होगा? टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया ई एफ। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ई एफ। तो आपने लिखा ई एफ अपॉन बेस, बेस आपका कितना हो गया? एस। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3/1 इक्वल टू क्या हो गया? ई एफ अपॉन बेस कितना हो गया? एस। और कैन आई से दैट, कैन आई से दैट इट मीन्स ई एफ जो है आपका वो √3 यूनिट है और एस एफ की वैल्यू 1 यूनिट है। ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई? ई एफ की वैल्यू आ गई √3। ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई? √3। और ये हो गया आपका 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। वी विल यूज हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एस, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एस। तो आपने क्या लिखा? इन राइट ट्राइंगल ई एफ एस, ई एफ एस क्या होगा? पाइथागोरस, राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है आपकी? ई एस। तो ई एस स्क्वायर will be equal to perpendicular, that is EF, EF square plus क्या हो जाएगा? SF, ये हो जाएगा SF। रीजन क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप जब नॉर्मल वे में करोगे तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपकी वो 2 यूनिट आएगी। कैसे आएगी मैं आपको ये समझा, बिकॉज यहाँ मुझे एक ही कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई करना है। तो देखो ई एस आपको फाइंड करना है, ई एस आपको फाइंड करना है। ई एफ, ई एफ की वैल्यू कितनी है? √3। तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा स्क्वायर। एस एफ, एस एफ की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा 1। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो ये हो गया 4। तो ई एस ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये आपका आ गया 2 यूनिट। तो ये आ गया आपका 2 2 यूनिट, ये आ गया 2 यूनिट। अब देखो, अब आप ये देखो कि जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है? 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 200 मीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 200। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, ईगल जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस ईगल, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये डिस्टेंस कितना है? 200। ये डिस्टेंस कितना है? 200। ये समझ में आ रहा है? अब 200 मीटर, उसकी स्पीड कितनी आई थी? स्पीड उसकी आई थी ईगल की 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, जो डिस्टेंस कवर करना वो कितना है? 200 मीटर। विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है? 200। स्पीड कितनी है? 20। 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। राइट आंसर इज ईगल जो है उसने को कितने सेकेंड में कैच कर लेगा? 10 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन इज, दैट इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज इफ ए बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल टू -1 देन फाइंड ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। और ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, आपको ये कहा जा रहा है कि ए बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल टू क्या है आपका? माइनस। इक्वल टू क्या है आपका? माइनस। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी, ठीक है। तो बी से बी कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो कैन आई से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -ab। इट इम्प्लाइज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस यहाँ आके
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो गिवन कंडीशन है वहां से हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ओके, नाउ ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए। जब आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे, व्हाट वी विल हैव, आपका एलसीएम आ जाएगा ए बी, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यूब, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ए बी। अब देखो ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और ये हमारा किसके इक्वल आया था, ये हमारा इक्वल आया था जीरो, इक्वल आया था जीरो। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू जीरो डिवाइडेड बाय ए बी एंड फाइनली इट विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 15% ऑफ ए इज 3 times ऑफ 10% ऑफ बी देन ए रेशियो बी इज इक्वल टू। तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 15% ऑफ ए, तो 15% ऑफ ए क्या हो जाएगा, 15/100 इंटू ए इज 3 times, तो 3 ऑफ मल्टीप्लाई 10%, तो 10/100 कर दो इंटू बी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इंटू बी। आपको ए रेशियो बी निकालना है, ए रेशियो बी। तो देखो ये आपका ए है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10/100, 15/100 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/15, 100/15। अब व्हाट वी विल हैव, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ए बाय बी क्या हो गया, ए अपॉन बी इट इज इक्वल टू 2/1, इट इज इक्वल टू 2/1। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:1, 2:1। फाइनल आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन वेट ऑफ 9 items इज 15, इफ वन मोर आइटम इज एडेड टू द सीरीज द मीन बिकम 16। ओके, द वैल्यू ऑफ 10th item इज, तो जिस आइटम को आपने ऐड किया उसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये वाला पोर्शन देखो, मीन वेट ऑफ 9 item क्या गिवन है आपको, मीन वेट ऑफ 9 items, मीन वेट ऑफ 9 items कितना गिवन है 15। फॉर्मूला वाइज ये क्या होता है, फॉर्मूला वाइज ये होगा सम ऑफ 9 items अपॉन 9, मीन का मतलब एवरेज होता है, अपॉन 9 = 15। तो 9 items की एवरेज निकालोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, फ्रॉम हियर बट वी विल हैव सम ऑफ 9 items, सम ऑफ 9 items ये डिवाइड हो रहा है 9, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इट विल बी इक्वल टू 15 × 9। तो सम ऑफ 9 items हमारा आ गया 135, 135, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया आपको, इफ वन मोर आइटम इज एडेड लेट आइटम्स बी एडेड, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि जो आइटम ऐड हुई है लेट आइटम्स एडेड बी, ये क्या है एक्स, तो टोटल आइटम्स कितनी होगी 10 होगी, तो मीन कितना आ गया 16 आ गया। तो जो आइटम आपने 10th item ऐड किया उसकी वैल्यू आपको बतानी है, और ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन। तो देखो उसको ऐड करने के बाद नाउ मीन ऑफ 10 items, मीन ऑफ 10 items अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना है 16 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना मीन ऑफ 10 items 16, ठीक है। मीन ऑफ 10 items का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 10 items, इसको मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ 9 items प्लस जो आपने ये आइटम ऐड किया, सम ऑफ 10 हो गया, एवरेज डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू क्या होगा 16। तो सम ऑफ 9 items अभी आपने फाइंड किया था, ये आया था 135 प्लस एक्स,
ये डिवाइड हो रहा है 16 के साथ, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 सॉरी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 160, ये प्लस है यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स विल बी इक्वल टू 25, 25, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बॉट 20 डजन एग्स फॉर 720। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि एक आदमी जो आपको क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी जो है उसने कितने अंडे खरीदे हैं 20 डजन, और 1 डजन में कितने एग होते हैं, 1 डजन में कितनी, 1 डजन इक्वल टू 12। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 20 डजन का मतलब इंटू 12, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा 20 डजन का मतलब इंटू 12, तो 20 इंटू 12 एक्स की जो कॉस्ट प्राइस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितनी है 720, वो कितना है आपका 7, ये क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग, एक एग का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखो पहले तो एक एग का कॉस्ट प्राइस निकालो, तो 20 इंटू 12 ये हो गया 240x, तो 240x का जो प्राइस है वो कितना है 720, तो 1 एग का कितना हो जाएगा 720 बाय 240 विच इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 1 एग का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 4 रुपीज 3 है, 1 एग का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 3 रुपीज, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट कितना हो, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी पी इंटू 20% इंटू 20 बाय 100, तो 0 से 0 कट जाएगा 2 5 जा 10, अब 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.6, तो ये आ जाएगा आपका, तो उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए 0.6 रुपीज, यानी कि 60 पैसा, 60 पैसा, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकाल दो अब, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच है कितना होगा ₹3 प्लस 0.6, कैन आई से दैट 1 एग का सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 रुपीज 60 पैसे, 3.6, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, आई होप अगर आपने ट्राई किया हो तो आपका आंसर यही आया होगा, नहीं आया होगा तब आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो यहाँ आके हमारे पार्ट 9 के ऑल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन, तो जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज ही मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू किया है, तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम ए शिप मास्ट हेड 180 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द शिप इज, तो ये आपके ऑप्शन, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो आपका पार्ट 10 है उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो इस क्वेश्चन का एनालिसिस, ठीक है, सो दिस इज फॉर टूडेज क्लास, टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।